मेरे पास जो अवेलेबल लेटेस्ट मुझे जो मिल पाई स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर ये फिगर मिला कि तकरीबन इंडिया में 580 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, 580, लेकिन करोड़ों की तादाद में ड्रग एडिक्ट्स हैं और कई ड्रग एडिक्ट्स को ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रिहैब सेंटर में वो रहें और वहाँ से वो जैसे बाहर निकलें इस प्रॉब्लम से। तो जिस तरह से मुस्लिम्स ने खिदमत खल्क के तौर पर एहसास हुआ कि हमें अलग अलग चीज़ों के कायम करने की ज़रूरत है, तो मैं ये एक अपील कर रहा हूँ सारे वो कंसर्न लोगों से कि इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की ज़रूरत है, जहाँ ईमान की ताकत के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल अवेलेबल नॉलेज को भी इस्तेमाल किया जाए, एक्सपर्ट्स के साथ में गाइडेंस में वैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि ऐसे सारे केसेस की जिंदगियों को बचाने की बात है। और कुरान की आयत जो है सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 कि वमन आहिया हा फकान नमा आहिया ना सा जमिया, एक जान को बचाना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, तो ये तो जान बचाना ही है ये हकीकत।